उनको बोला कि आप अकेले जा सकते हैं इमरान खान को पकड़ने के लिए। अच्छा, अच्छा वो जी घर में दाखिल होते हैं, सारी तलाशी तलूशी ली, खान साहब मिले नहीं, किसी तय खाने में छुप जाता है। तो लोगों को बोलते हैं मैं अपनी कौम को जब कॉल दूंगा, सिग्नल दूंगा, आप लोगों ने के लिए खुद का तो आप लोगों ने गिरफ्तारियां देनी है, आप लोगों ने स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों हम सबको पता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नई मूवमेंट चालू की है कि जेल भरो तहरीक करके एक मूवमेंट उन्होंने शुरू की है। तो उसी पर वीप्रो ऑफिशियल ने उनको रोस्ट किया है, तो वही आज हम मिक्स रिएक्शन देखने जा रहे हैं। वीप्रो की बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वो बनाते रहते हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। आप सब तैयारी करें, जेल भरो तहरीक। अच्छा ये मजाक, ये जो पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ, इमरान खान के लिए मैं जेल जाऊँ, मेरे बच्चे कौन रखेगा। भाई लोग इन दिनों कटोरा खान इस कदर बावला हो गया है कि सत्ता में आने के लिए पूरा मुल्क फूकने को तैयार है। बंदे का एक ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरी नौटंकी लेकर बैठ जाता है, और इस बार की नौटंकी है जेल भरो तहरीक। और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूँ, मैं कॉल दूंगा और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। और उधर पाकिस्तानी आवाम, आप जाएंगे फूफी देनी भी है, हम क्यों जाएंगे हम इन पागलों के लिए क्यों जाएंगे। गजब बेइज्जती है। मतलब कटोरा खान ने हफ्ते भर से ऐसा हल्ला काट रखा था जैसे पूरा मुल्क ही इसकी एक आवाज पर जेल जाने को तैयार हो। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में जाने के लिए। और जेल पहुंचे कितने बंदे? तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब जो है, उनमें 2-3 जो है वो 4 इनके लीडर हैं। अब भाई तुम्हें क्या लगता है ये गिरफ्तारी देने वाले 80 लोग कौन होंगे? इमरान खान समर्थक? इमरान खान का जान भी हाजिर है, ये तो खाली एक दो हमारे ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। अब तो सर बोल दे नहीं चले, जिंदगी के हमारे हालात चल रहे, इससे अच्छा बंदा जेल ही चला जाए, तो जेल में 2 टाइम का खाना भी तो मिलेगा। बात तो सही है भाई, इन दिनों पाकिस्तान के वो हालात बने हुए हैं कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए जेल जाने को तैयार हैं, और उधर कटोरा खान इस गलत फहमी में डूबा हुआ है कि लोग उसकी वजह से जेल जाना चाह रहे हैं, जबकि लोग जेल जाना क्यों चाहते हैं? महंगाई इतना ज्यादा है, ये जेल अच्छा है इसके लिए बंदा चले जाए, खाना तो मिलेगा, थोड़ा सुकून तो मिलेगा। भाई आवाम भी क्या करे, न खाने को आटा है न रहने को घर, जेल नहीं जाएंगे तो क्या बेहतर हूरों के पास जाएंगे? जीवन यापन के लिए भी तो कुछ चाहिए, और इस वक्त बंदों को जेल से बेहतर रहने खाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पोलियो की हालत। 100 रुपया दिहाड़ी कमांदा, मंडी च मजदूरी करदा, मैं की करां दसो, मैनूं तुसीं दसो ना, बच्चियां नूं खवावां, घर दा किराया दवां, बिजली दा बिल दवां। और भाई कटोरा खान का ड्रामा देखो, बंदे ने जेल जाने वाले लोगों के लिए जगह जगह रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाए हुए हैं, जैसे लोगों को जेलों में नहीं नौकरी के लिए कंपनियों में भेज रहा हो, तो बिना रजिस्ट्रेशन कोई मान्य नहीं होगा। लोग आ रहे हैं लाइने लगा के आ रहे हैं, लोग इतनी भीड़ में आ रहे हैं, लोग 200 के करीब लोग करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, अभी 1 घंटा हुआ है मैं बैठे। और लोग रजिस्ट्रेशन करा क्यों रहे हैं? पूरा पाकिस्तान रजिस्टर होना चाह रहा है भाई, वो कह रहे हैं हम शायद जेल में खाना मिल जाए। आम आदमी तो ये सोच रहे ना कि रोटी चावल तो मिल जाएगा जेल में, क्योंकि वो खरीद तो सकता नहीं है। मतलब कटोरा खान को पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई, बंदा इस सोच में डूबा हुआ था कि लोग उसके समर्थन में गिरफ्तारी देंगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग चल रहा है, लोग गिरफ्तारी देना जरूर चाह रहे हैं लेकिन कटोरा खान के समर्थन में नहीं, बल्कि जेल में रहने खाने के जुगाड़ में। और जब पाकिस्तानी पुलिस को पता चला कि लोग जेल में खाना मिलने की गलत फहमी पालते हुए गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी पुलिस आवाम से 20 लट्ठ खाने के बाद बड़े बड़े हरिश्चंद्र की गलत फहमी दूर हो जाए। और उधर जो बंदे खाने के जुगाड़ में पहले ही जेल जा चुके हैं वो रोता क्यों, आप कहीं मां जाना, हाँ यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा, मर नहीं खाना। भाई अब तो कटोरा खान और उसके समर्थकों की ये हालत हो गई है कि जो बंदा कल तक हजारों लोगों की गिरफ्तारी देने का दावा कर रहा था, आज उसके सपोर्ट में एक बंदा जेल जाने को तैयार नहीं। पेशावर में पीछा है कि जेल भरो तहरीक में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाई आखिर लोग गिरफ्तारी दे रही क्यों, जब कटोरा खान की पार्टी के खुद के नेताओं का ये हाल है? अब कटोरा खान की पार्टी के इस नेता को ही देख लो, बंदा जेल भरो तहरीक आंदोलन में हिस्सा लेने आया, पुलिस बैंड पर खड़े होकर जमकर फोटो शूट भी कराया, और जैसे ही
दिल्ली पुलिस को अपनी ओर गिरफ्तार करने आते हुए देखा तो और कटोरा खान के कुछ नेताओं के घर तो पुलिस खुद होम सर्विस के लिए भी पहुंची, गिरफ्तारी देने के लिए जमकर आवाज भी लगाई, लेकिन सलीम रहमान के घर के बाहर पहुंच गए अहलकार स्पीकर पे ऐलान भी करवाया, लेकिन सलीम रहमान की पूरी नहीं तैयारी, इसलिए बाहर निकले ना दी अपनी गिरफ्तारी। मतलब पुलिस बंदों की गिरफ्तारी के लिए दर बदर भटकती रही, लाउड स्पीकर पर जेल जाने के लिए रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन मजाल है कोई बंदा गिरफ्तारी के लिए बाहर निकल आता। लेकिन इस बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गया कटोरा खान पार्टी का एक ऐसा नेता जो काफी टाइम से बचा बचा घूम रहा था, और वो बंदा है ये नुक्ते की दुकान शाह महमूद कुरैशी, जिसका गिरफ्तारी देने से पहले कहना था अगर जेल जाना पड़ा आप ही जाएंगे। बिल्कुल तैयार है, मैं तो आया हूँ, हाजिर हूँ, अभी वैन में जा रहा हूँ, गिरफ्तार करना है तो शौक से करें। और जैसे ही बंदे को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा ख्याल था सीसीटीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। ये तो मुद्दे लगा सारा। बंदे को गिरफ्तार हुए 24 घंटे नहीं हुए थे कि उसके घर वाले जमानत के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी कल तब पे हुआ, आज वो रो रहा है, जमानत के लिए उसका बेटा अदालत में आया हुआ। और पोरकियों को लगता है ये गिरफ्तारी के डर से भागने वाले 24 घंटे में जेल से रिहाई की भीख मांगने वाले नेता इनकी किस्मत बदल देंगे। कोई अकल है आपके पास? मतलब कटोरा खान ने खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने समर्थकों समेत पार्टी के नेताओं को दांव पर लगा दिया है। एक तरफ बंदा खुद घर पर आराम फरमाता रहता है, वहीं दूसरी तरफ आवाम बंदे के घर के बाहर रात भर पहरा देती है ताकि कटोरा खान को कोई गिरफ्तार न कर ले जाए। और भाई कटोरा खान की हराम जादगी देखो, बंदा खुद गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड होकर बैठा रहता है और लोगों से कहता फिरता है मेरे ऊपर 70 FIRs काटी है, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करे। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए। मतलब भाई ये क्या लॉजिक हुआ, 70 FIR कटोरा खान पर काटी गई है और कटोरा खान ने जेल भरो तहरीक की शुरुआत क्यों की? लोगों का खौफ उतारने के लिए। जैसे FIR कटोरा खान पर नहीं लोगों पर काटी गई हो जो उन्हें खौफ होगा। इस सर फिर पागल हो गया भाई, कटोरा खान इतना तगड़ा फट्टू है कि बंदा खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरा मुल्क फूकने को तैयार है, अपनी पार्टी के नेता समेत समर्थकों को जेल में ठूसने को तैयार है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, जबकि इसके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में सबसे आगे इसे होना चाहिए था। लेकिन आगे छोड़ो, बंदा सबसे पीछे भी नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड होकर और बैठा है, लेकिन फिर भी इसके समर्थकों को इसका ड्रामा दिखाई नहीं देता। ओए शर्म करो, ओए हया करो, तुमने कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इमाम हुसैन के सामने जवाब देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो ट्वी प्रो बाई की, तो सभी वीडियो ऐसी भी बहुत ही मजेदार होती है और आज का वीडियो भी मजेदार ही था। लेकिन ये कितने पागल लोग हैं कि एक ऐसे नेता के पीछे पागल हुए पड़े हैं और सभी जगह भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। अगर वो कुछ भी कह देता है तो सब बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। ये जेल पर वो तहरीक उन्होंने शुरू की और वही कहीं दिख नहीं रहा है, वही कभी कहीं घर पे बैठा हुआ होगा और ये सब पागलों की तरह सड़कों पे निकले हुए हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जेल में जाने के। अरे भाई जेल में जाने के लिए कौन रजिस्टर होता है, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। और वो जो मिनिस्टर्स भी वो उसमें शामिल हो रहे थे वो भी पागल है, वो सिर्फ दिखावे के लिए, वो एक तो ऊपर चढ़ा था और जैसे ही पुलिस को आते हुए देखा वही से कट लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है जेल में जाएगा तो वहां पे दंडे तो पड़ेंगे। और एक मिनिस्टर को वो कह रहा था मुझे, मैं तो तैयार होके आया हूँ, अब ले जाओ मुझे जेल। जैसे ही लेके गए तो रोना शुरू हो गया उनका। और कई सारे लोग तो इसके सपोर्ट में नहीं जा रहे, लेकिन ये सोच के जा रहे कि यहाँ बाहर तो खाना मिल नहीं रहा, आटा नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं मिल रही, शायद जेल में चले जाएंगे तो दो वक्त की रोटी तो मिल जाएंगी, इसी बहाने वो जेल में जा रहे, ना कि ये इमरान खान के सपोर्ट में। और ये इमरान खान हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी पागलपंती वाली हरकतें लाता रहता है, और उनके पीछे वहाँ के लोग भी ऐसे पागल है कि वो जो कहता है उस के बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। अगर वो घर पे उनकी फैमिली है तो इमरान खान के कहने पे जेल चले जाएंगे तो उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? ये सब तो ऐसे सोचते नहीं है, पागल लोग हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।